आज मैं आपको Amazon Prime मेंबरशिप को कैंसिल कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने भी Amazon Prime की ट्रायल मेंबरशिप ली है और आप चाहते हो उस ट्रायल मेंबरशिप को कैंसिल करना, तो आप बड़ी आसानी से Amazon Prime मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हो। तो आइए जान लेते हैं कैसे किया जाता है Amazon Prime मेंबरशिप को कैंसिल। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सचिन मेरे यूट्यूब चैनल। तो Amazon Prime मेंबरशिप को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको Amazon अकाउंट पे जाना है, इसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपके पास होगा ही कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। Amazon ओपन करने के बाद नीचे की तरफ मेनू का आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो ऑर्डर्स बाय अगेन अकाउंट एंड लिस्ट। तो आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे मैनेज प्राइम मेंबरशिप है, यहाँ पे देख सकते हो मैनेज प्राइम मेंबरशिप है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैनेज मेंबरशिप है, उसके ऊपर क्लिक करना है, ट्रैक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो प्राइम प्लान 30 डेज का मैंने ट्रायल मेंबरशिप ली है, इसी वजह से ऐसा शो हो रहा है, आपके पास अलग भी हो सकता है। इसके बाद इसका रिन्यूअल डेट 19 मई 2023 का है और यहाँ पे मैनेज मेंबरशिप है। यहाँ से आप अपडेट, कैंसिल और मोर के ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप पेमेंट चेंज करना चाहते हो, दूसरा क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से आप प्लान देख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल कैसे किया जाता है इसके बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे मैनेज मेंबरशिप है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एंड मेंबरशिप, बाय एंडिंग योर मेंबरशिप यू विल लूज एक्सेस टू योर प्राइम बेनिफिट्स। तो जो भी आपके बेनिफिट्स होंगे प्राइम मेंबरशिप के, वो सारे बेनिफिट्स लूज हो जाएंगे एक बार आपने एंड मेंबरशिप के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं एंड मेंबरशिप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने 460 रुपीज़ डिलीवरी फीस है वो अर्न की है प्राइम मेंबरशिप की वजह से, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो इसे यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और नीचे की तरफ आएंगे तो एंड माय फ्री ट्रायल नाउ है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बार फिर से पूछेगा आप सच में इस मेंबरशिप को कैंसिल करना चाहते हो क्या। तो यहाँ पे कीप प्राइम फॉर 299 पर, तो आप अगर आप चाहते हो पर मंथ के लिए तो यहाँ पे 299 का है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो मंथली प्लान। लेकिन मुझे ये कैंसिल करनी है इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंसिल है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे कीप माई मेंबरशिप है, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैं कैंसिल करना चाहता हूँ इसीलिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू कैंसिल है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक बार लास्ट कंफर्मेशन आ रहा है कि आप सच में आप मेंबरशिप को कैंसिल करने चाहते हो क्या। तो यहाँ पे मैं कैंसिल इमिडिएटली के ऊपर करूँगा और डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद मैं कोई भी प्राइम फीचर्स नहीं यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कैंसिल इमिडिएटली उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो मेंबरशिप थी वो कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद मेरे अकाउंट से कोई भी डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कोई भी डेबिट नहीं होने वाला है, पैसा जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने 19 तारीख से पहले ही यहाँ पे मेंबरशिप कैंसिल की है। आज का डेट कुछ अराउंड 16 में है और मेरे 19 तारीख को ये रिन्यूअल टाइम था, तो मैंने 3 दिन पहले ही यहाँ पे मैंने कैंसिल किया है। इसकी वजह से मेरा कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से अमेजोन प्राइम मेंबरशिप को इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।